Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video and आज की इस वीडियो में हम एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द फोर स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टोरी है किस पर बेस्ड है? स्टूडेंट्स पे। एज यू नो आप सब भी स्टूडेंट्स हो और आप सब भी वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक्साइटेड होगे कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो स्टोरी है ये हमें क्या बताने वाली है। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि अभी जान पाए कि ये स्टूडेंट्स जो नाम रखा है स्टोरी का क्यों रखा है। और चार स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ऐसा क्या किया उन चार ने कि जो इनका नाम पर ये स्टोरी रखी गई है। सो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर स्टूडेंट्स हू हेटेड स्टडिंग पार्टेड ऑनलाइन बिफोर देयर एग्जाम्स। फोर फ्रेंड्स, चार दोस्त थे जिन्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, हेट करते थे। वो पार्टी कर रहे थे पूरी रात एग्जाम से एक दिन पहले। दे आस्क द डीन टू गिव देम अ सेकेंड चांस बाय लाइंग अबाउट देयर वेयर अबाउट्स। दे टोल्ड द डीन दे हैड गोन टू अ वेडिंग द नाइट बिफोर एंड ऑन देयर वे बैक दे हैड अ फ्लैट टायर Requiring them to push the car all the way back. अब वो क्या कहते हैं डीन, जो भी उनका एग्जाम कंडक्टर होता है उससे जाके बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे सेकेंड चांस दो, और झूठ कहते हैं कि हम लोग लास्ट नाइट वेडिंग में गए थे एंड जब हम ऑन द वे थे वापस आ रहे थे तो हमारा जो फ्लैट टायर है वो हमारा टायर बर्स्ट हो गया था, तो हमें पूरी इस कार को पुश करके वापस घर लाना पड़ा, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाए। अब वो ये झूठ बोल देते हैं। द डीन एग्री टू लेट देम टेक द टेस्ट अगेन। तो वो मान जाते हैं, चलो ठीक है आप लोगों का टेस्ट दोबारा टेस्ट होगा, आप लोगों को सेकंड चांस दिया जाता है। टीचर मान जाते हैं। दे स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। अब वो चारों बहुत हार्डली मेहनत करते हैं एग्जाम के लिए कि हमें दूसरा चांस मिला है। अब वो ढंग से पढ़ाई करते हैं बैठ के। ऑन द एग्जाम डे दे वर मेड टू सिट इन सेपरेट क्लासरूम एंड वर गिवन ओनली टू क्वेश्चंस। अब उन चारों को ना अलग अलग क्लास में बिठा दिया जाता है एग्जाम के लिए, टेस्ट के लिए एंड जो भी होता है उसको, और उनको ना सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूरे एग्जाम में उनसे सिर्फ दो क्वेश्चन, कहीं ना कहीं हैरानी वाली बात है ना, दो क्वेश्चन बस। अब वो दो क्वेश्चन क्या थे? फर्स्ट था योर नेम, कि आपका नाम क्या है, स्टूडेंट नेम यू कैन से। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विच टायर ऑफ द कार बर्स्ट। कौन सा टायर कार का बर्स्ट हुआ था, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट या रियर राइट, में इस कार का कौन सा पहिया बर्स्ट हुआ था। अब उस टीचर ने एक चालाकी से क्या करा, उनका झूठ पकड़ने की कोशिश करी। क्या कि चारों को एक तो अलग अलग क्लास में उठाती, उन्होंने तो ये बहाना मारा था ना कि टायर बर्स्ट हो गया तो इसके कारण हमें कार को धक्का मारना पड़ा। बट टीचर इतने इतने शातिर होते, इतने एक्सपीरियंस होते, दे नो कि कहा बच्चा झूठ बोल रहा है कहा सच। तो उन्होंने क्वेश्चन ही ये पूछ लिया चारों से और चारों को अलग अलग बैठा दिया। अब कोई चारों ने सेम आंसर दिया होगा आपको लगता है? नहीं, क्योंकि ये तो उन्होंने एक बहाना बनाया था ना, झूठ बोला था। किसी ने लिखा होगा फ्रंट लेफ्ट तो किसी ने फ्रंट राइट, किसी ने रियर लेफ्ट तो किसी ने रियर राइट, जिसके कारण टीचर को पता चल जाता है कि ये जो एग्जाम इन्होंने मिस किया है ये सब इन बच्चों ने झूठ बोला है। तो झूठ क्या टीचर ने उनका पकड़ लिया इस क्वेश्चन से। सो क्या मोरल क्या है स्टोरी का? यू मे बी स्मार्ट बट दे आर आर स्मार्टर पीपल देन यू। आप भले ही स्मार्ट हो सकते हो पर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट आपके आसपास लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, एज जैसा कि उन स्टूडेंट्स की टीचर्स थी, उन चारों स्टूडेंट के टीचर उनसे ज्यादा स्मार्ट थी। वो जानती थी कि ये झूठ बोल रहे हैं बट उसके बाद भी उन्होंने चांस दिया एंड उन्होंने उनका पकड़ा। कैसे पकड़ा? थ्रू आउट दिस क्वेश्चन, उनकी झूठ को पकड़ा टीचर ने। तो हमें कभी भी अगर हम किसी को सामने झूठ बोलते हैं स्पेशली टीचर्स के सामने, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे टीचर्स को
हमारी बातों पे विश्वास हो जाएगा। कई बार टीचर्स हमारा झूठ पकड़ लेते हैं और हमें बोलना ही नहीं चाहिए। सच बोलो, एक्सेप्ट करो, तो हो सकता है आपको उस चीज की पनिशमेंट भी ना मिले और उसको टीचर भी आपको समझे और उसके सॉल्यूशन आपको दे कि अब आपको क्या करना चाहिए। झूठ बोलने से आपको उसमें फंसते चले जाते हो, जैसा कि यहाँ पे वो चारों स्टूडेंट फंस गए। अब वो उससे बाहर कैसे निकलेंगे? उनका एक तो उनके पकड़ा गया झूठ, शर्म वाली बात है कि वो पकड़ा गया इतना झूठ जो उन्होंने टीचर से बोला था। डिड यू थिंक योर टीचर नेक्स्ट टाइम उन पर ट्रस्ट करेगी किसी भी बात पे उनकी? नहीं। तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारा झूठ एक बार पकड़ा जाता है तो वो पर्सन हम पे सेकेंड टाइम विश्वास नहीं करता। तो ये थी आपकी आज की स्टोरी। आई होप आपको इससे शिक्षा मिली होगी कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।